हेलो जय हिंद, नमस्कार। मैं शेर सेन नोडी के परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे, एक नई वैकेंसी आई हुई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, नई वैकेंसी आई हुई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फायर सर्विस की वैकेंसी आई हुई है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इसी प्रकार की भर्तियों से संबंधित यहाँ पर न्यूज यहाँ पर मिलती रहती है। साथियों, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर फायर सर्विस की जो वैकेंसी आई हुई है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। साथियों, तो चलो देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं साथियों, तो इसके अंदर कुछ डिटेल वगैरह ये दे रखी है, इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट है उस डेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि डेट वगैरह कितनी क्या डेट रहने वाली है, कितनी क्या लास्ट डेट रहने वाली है। तो स्टार्टिंग यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट होने वाले हैं रजिस्ट्रेशन, क्योंकि साथियों आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर कुछ साथी पूछेंगे कि सर ये जो वैकेंसी है इसके अंदर ऑफलाइन है या ऑनलाइन मोड है। तो यहाँ पर देख लीजिए साथियों, ये आपका ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वहां से आपको फॉर्म भरना है। अब इसकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वो वेबसाइट कौन सी है, तो ऑफिशियल वेबसाइट ये है। तो यहाँ पर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और वैसे आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। साथ ही अब इसके अंदर देख लेते हैं, स्टार्टिंग डेट है जो 15/10/2022 इसकी स्टार्टिंग डेट है साथियों, और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है साथियों, इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 14/11/2022 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है साथियों। तो साथियों इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था और फिर आपको अब और दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि साथियों इसकी जो लास्ट डेट है आप सभी को पता है 14/11/2022 रहने वाली है। तो जिसने भी ये फॉर्म नहीं भरा है अब तक, वो फॉर्म को अप्लाई कर दे। तो साथियों देख लेते हैं, अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या मांगा गया है कि जो आपकी जो एजुकेशन है उसके अंदर भाई जो भी आपकी जो लास्ट डेट वगैरह जो भी काउंट की जाएगी, आपके पास भाई डिप्लोमा होना चाहिए तो किस डेट से पहले का होना चाहिए, आपकी जो भी एज लिमिट होनी चाहिए वो किस डेट से पहले होनी चाहिए, तो यहाँ पर 30/9/2022 को यहाँ पर माना गया है साथी। तो चलो अब देख लेते हैं इसके अंदर जो भर्ती आई हुई है, भर्ती यहाँ पर देख लीजिए साथियों, बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, सीनियर असिस्टेंट है और जितने भी अपने जो फायर सर्विस का है, फायर सर्विस के बारे में चेक कर लेते हैं। तो फायर सर्विस की जो वैकेंसी भर्ती आई हुई है वो 6 नंबर के ऊपर आप देख सकते हो, 6 नंबर के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के अंदर ये वैकेंसी आई हुई है। 23 पोस्ट टोटल यहाँ पर रहने वाली है और अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे रखी है पोस्ट। पे स्केल यहाँ पर रहने वाला है इसका 31,000 से 92,000 तक इसका पे स्केल रहने वाला है। तो ये आपको नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप डाउनलोड इसको कर सकते हो साथियों। तो चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट, जो इसके बारे में डिटेल में दे रखा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं साथियों। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो देख लेते हैं आगे, फिजिकल वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते, फिजिकल वगैरह के बारे में दे रखा है आगे देख लेते हैं, क्योंकि साथियों ये जो जितनी भी ये अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, इसको मैं आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर डाल दूंगा। तो मैं आपको जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर बता देता हूँ साथियों। तो देख लीजिए साथियों, अब इसके अंदर एज लिमिट वो दे रखी है, वो क्या दे रखी है, तो यहाँ पर दे रखी है 18 से 30 साल दे रखी है जो अंतिम तिथि जिससे ये काउंट की जाएगी। तो 30/9/2022 से ये एज लिमिट आपकी काउंट की जाएगी साथ ही। एससी जो एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट दे रखी है, यहाँ की प्रमाण सकते हो आप 35 वर्ष। एससी एसटी जो कैंडिडेट हैं उनकी आप यहाँ पर एज मान सकते हो, यानी कि 30 से 5 35, यानी कि 35 साल तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 वर्ष की यहाँ पर छूट दे रखी है, 3 वर्ष तक की यहाँ पर छूट दे रखी है। तो यहाँ पर जो भी साथी है जो 30 वर्ष यानी कि यहाँ पर 33 वर्ष तक ओबीसी कैंडिडेट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं साथियों। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि भाई जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 10 साल तक की छूट यहाँ पर दे रखी है, जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 10 साल तक की यानी कि 40 साल तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं साथियों। अब आगे देख लेते हैं, आगे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं, जो अपना फायर सर्विस का है, फायर सर्विस के बारे में देख लेते हैं, फायर सर्विस का कहाँ पर क्या दे रखा है तो उसके बारे में देख लेते हैं साथी। तो 6 नंबर के ऊपर फायर सर्विस का दे रखा है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह इसके अंदर कुछ भी नहीं मांग रखा। यहाँ पर जो मांग रखा है कि आपके जो डिप्लोमा वगैरह आपने अगर कर रखा है, डिप्लोमा आपका रेगुलर होना चाहिए, ये ध्यान रखना इसके अंदर। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो उसके अंदर आपके 50% मार्क्स के ऊपर होने चाहिए। यहाँ पर और क्या दे रखा है कि 10+2 यानी कि 12वीं पास आप होने चाहिए, रेगुलर स्टडी होनी चाहिए, और यहाँ पर 50% मार्क्स अनिवार्य है आपको। और क्या दे रखा है, और दे रखा है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और हैवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अब ये क्या दे रखा है कि जो हैवी लाइसेंस तो आपके पास होगा, लेकिन इसके अंदर क्या बोल रखा है कि 30/9/2022 है, इससे पहले पहले आपको बनाए हुए 1 साल कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर ये दे रखा है यानी कि 30/9/2022 तक आपको 1 साल या 1 साल से अधिक पुराना होना चाहिए आपका ड्राइविंग हैवी लाइसेंस, ये इसके अंदर बोल रखा है। अब इसके अंदर जो आगे जो और देख लेते हैं, आगे जो इम्पोर्टेंट जो चर्चा दे रखी है, इम्पोर्टेंट जो मेडिकल जो फिजिकल के बारे में, मेडिकल फिजिकल के बारे में दे रखा है, तो इसके अंदर देख लेते हैं। तो इसके अंदर देख लीजिए साथियों, जो अपन देख लेते हैं क्योंकि अपना फायर सर्विस का, फायर सर्विस के बारे में देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए साथियों, यहाँ पर दे रखा है जूनियर असिस्टेंट यानी कि फायर सर्विस पोस्ट कोड 6, यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर साथी जो आपकी आंखें हैं, आंखों के बारे में दे रखा है कि आपकी आंखें हैं 6x6 होनी चाहिए, विदाउट ग्लास होनी चाहिए, और यहाँ पर आपको कलर के अंदर आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे रेड आप देख रहे हो, ग्रीन देख रहे हो, तो उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे जितने भी उसके अंदर अक्षर वगैरह दे रखे हैं वो आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाने चाहिए साथियों, ये इसके अंदर दे रखा है। और आपको नाइट के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ कुछ को प्रॉब्लम होती है नाइट के अंदर देख रहे हैं, उनका दिमाग थोड़ा हो जाता हैवी हो जाता है यानी कि भारीपन हो जाता है, तो वो आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। हाइट के अंदर दे रखा है, तो आपकी जो मेल कैंडिडेट है 167 सेंटीमीटर आपकी मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए, और जो फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। साथी आप देख लेते हैं जो चेस्ट के बारे में दे रखा है, चेस्ट के बारे में क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, तो चेस्ट के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं साथी। तो यहाँ पर चेस्ट के बारे में दे रखा है कि जो मेल कैंडिडेट है उनका जो चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर नॉर्मल आपका चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर उसके अंदर फुल आउट होनी चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेस्ट यहाँ पर नहीं नापा जाएगा। यहाँ पर जो वेट की बात कर लेते हैं, वेट की जो मेल कैंडिडेट के अंदर 55 kg यहाँ पर वेट होना चाहिए साथी, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके अंदर कम से कम 45 किलो यहाँ पर वजन होना चाहिए साथी, और जो भी इसके अंदर स्पीच वगैरह है जो जितने भी नॉर्मल यहाँ पर होने चाहिए साथी। अब इसके अंदर जो देख लेते हैं जो नेक्स्ट जो चर्चा है, क्योंकि जितने भी हैं इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको इसके अंदर बता दी है साथी। अब इसके अंदर जो आगे चर्चा कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसा क्या होने वाला है। तो इसके अंदर फायर सर्विस की अपन चर्चा कर रहे हैं, तो फायर सर्विस के ऊपर पोस्ट कोड के ऊपर चलते हैं और उसके अंदर अपना सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देखते हैं साथी। तो इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस अपना दे रखा है फायर सर्विस वालों का, यहाँ पर क्या दे रखा है साथियों, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा यानी कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, सीबीटी आपका होने वाला है साथी। इसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आपका जो भी मेडिकल वगैरह है जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे साथी, यहाँ पर दे रखा है कि 30/9/2022 को यहाँ पर मान करके आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, इससे पहले के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इससे पहले के आपके होने चाहिए। अब इसके बाद में साथियों यहाँ पर क्या दे रखा है कि आपका इसके बाद में होने वाला है जो मेडिकल होगा, मेडिकल वगैरह की फिजिकल मेडिकल टेस्ट वगैरह इसके अंदर आपका होने वाला है। इसके बाद में आपका ड्राइविंग टेस्ट वगैरह होगा, ड्राइविंग टेस्ट के बाद में साथियों आपका फिजिकल के अंदर जो आपकी जो 100 मीटर की रनिंग होगी, यहाँ पर 100 मीटर की रनिंग भी दे रखी है, और साथियों यहाँ पर रोप क्लिपिंग भी दे रखी है, और यहाँ पर आपको जो भी जितने भी क्लिपिंग वगैरह पोल क्लिपिंग वगैरह दे रखी है, और आपको यहाँ पर 60 मीटर रनिंग, यहाँ पर यानी कि जो 60 मीटर रनिंग है आपको जो भी आपके फायरमैन लिप वगैरह के बारे में इसके अंदर दे रखा है, और इसके अंदर जो फुल लेडर यानी कि आपको वहां पर लेडर लगाई जाएगी, फुल लेडर क्लिप यानी कि लेडर के ऊपर आपको चढ़ना है साथी। अब साथियों आगे दे रखा है, अब यहाँ पर साथियों
अब कुछ साथी बोलेंगे कि साथ सर इसके अंदर जो यहाँ पर जो 60 मीटर रनिंग करनी है फायरमैन लिफ्ट की, तो इसके अंदर वेट उठाया जाएगा या फिर आदमी को उठाया जाएगा, तो क्या किया जाएगा? तो यहाँ पर साथियों आपको यहाँ पर दे रखा है कि आपको डमी 60 मीटर रनिंग करनी है डमी उठा करके। तो डमी वो का वो आदमी होता है, उसके अंदर जान ही नहीं होती, ये मान लीजिए आप। अब इसके अंदर जो आगे दे रखा है साथियों, आगे इसके अंदर जो नंबर वगैरह के टेस्ट वगैरह के नंबर वगैरह दे रखा है, तो इसके अंदर जो इसके अंदर आगे दे रखा है जो अपन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चर्चा कर लेते हैं। अब देख लीजिए साथियों, फायर सर्विस, यहाँ पर देख लीजिए साथियों, जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस का, इसके बारे में यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर नंबर दे रखे हैं भाई, कितने कितने नंबर यहाँ पर होने वाले हैं साथियों, अलग अलग यहाँ पर नंबर दे रखे हैं। तो यहाँ पर 100 मीटर रनिंग होगी, 100 मीटर रनिंग होगी, यहाँ पर रोप क्लिपिंग होगी, पोल क्लिपिंग होगी, और 60 मीटर डमी क्लिप मानी कि फायरमैन लिफ्ट होगी, और फुल लैडर क्लिपिंग यहाँ पर होने वाली है साथी। अब जो 60 मीटर जो फायरमैन लिफ्ट होगी वो यहाँ पर 50 किलो वेट को उठा करके यहाँ पर आपको करनी है साथी। अब यहाँ पर जो पोल क्लिपिंग होगी, यहाँ पर 30 सेकंड दे रखा है और 8 मीटर यहाँ पर आपको क्लिपिंग करना है। इसी प्रकार जो रोप क्लिपिंग होगी, 20 सेकंड का टाइम है और 8 मीटर आपको यहाँ पर क्लिपिंग करनी है साथियों। यहाँ पर अलग अलग नंबर यहाँ पर बांट रखे हैं, जितने भी नंबर हैं वो यहाँ पर बांट रखे हैं, तो यहाँ पर कि आप देख सकते हो साथी। और साथियों जितने भी भाई इसके अंदर जितने भी दे रखे हैं वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आपको नोटिफिकेशन है अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुपों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी साथी। तो चलो अब देख लेते हैं जो नेक्स्ट चर्चा है, नेक्स्ट चर्चा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी ये मैंने आपको बता ही दिया है, जितने भी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चर्चा थी, तो अब देख लेते हैं जो इसके बारे में सिलेबस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेबस वगैरह दे रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर पेपर आएगा, फायर सर्विस का भी दे रखा है, ये आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर मिल जाएगा आपको साथियों। तो यहाँ पर दे रखा है कि जो जो 50% सिलेबस है वो आपको सब्जेक्ट के अंदर से पूछा जाएगा, और 50% सिलेबस है वो आपको जीके और रीजनिंग वगैरह इंग्लिश वगैरह के अंदर यहाँ पर पूछा जाएगा साथियों। अब यहाँ पर जो आगे और दे रखा है, और क्या दे रखा है, तो इसके बारे में देख लेते हैं साथियों। इसके अंदर वो सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में चर्चा दे रखी है, तो इसके अंदर आपको कोई घबराने की आवश्यकता है नहीं। और देख लेते हैं जो भी और इम्पोर्टेंट चर्चा दे रखी है इसके अंदर, वो भी इसके अंदर देख लेते हैं साथियों। अब ये देख लीजिए साथियों, जो फीस के बारे में चर्चा कर लेते हैं अब इसके अंदर, तो फीस के अंदर दे रखा है कि साथियों जो भी कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, AWS कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर 1000 रुपये यहाँ पर फीस उनकी रखी गई है। और जो SC ST जो कैंडिडेट हैं, PWG एक्स सर्विसमैन वगैरह जितने भी कैंडिडेट हैं, उनकी यहाँ पर 0 रुपये फीस यहाँ पर लगने वाली है साथियों। तो यहाँ पर साथियों जितने भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको सभी को क्लियर बता दी है। लगभग 22 पेज का ये आपका नोटिफिकेशन था, 22 नहीं लगभग 30 पेज का, अभी इसके अंदर आगे तो 30 पेज का दे रखा है नोटिफिकेशन। तो मैंने जितने भी आपको मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब इसके अंदर जो भी हाउ टू अप्लाई वगैरह, इसके अंदर कैसे क्या अप्लाई करना है आपको, तो इसके अंदर दे रखा है, तो ये अपने को कुछ पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। तो साथियों ये मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके से सही जानकारी दे दी है। तो साथियों अगर आपने इसका फॉर्म अभी तक भी अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि साथियों सभी साथियों को पता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, लेकिन अब कुछ कैंडिडेट इसके अंदर नए भी जुड़े हुए हैं, तो मैंने उनको भी बताना बहुत ही अनिवार्य समझा, क्योंकि साथियों उन तक भी अपनी बात पहुंचना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की इस वीडियो में यहीं तक, फिर अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।